हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद व्याख्या व्याख्या विद अनादा वीडियो ऑफ बायोलॉजिकल ऑफ चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वायरसेस वायरॉइड्स प्रायन्स एंड है प्रयोन्स तो स्टार्ट करते हैं मैंने कल आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया तो थोड़ा देख लेते हैं कल के रिवाइज कर लेते हैं वायरस क्या है इन फाइव इसमें हमने बताया था कि जितने भी किंगडम हैं उनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया किसने किया था आर एच विटिकर किसने किया था आर एच विटिकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया गया था ठीक है स्नो मैशन ऑफ लाइकेन उसमें लाइकेंस वायरस वायरोस इन सबको क्लासिफाई नहीं किया गया क्योंकि ये सब क्या है ए सेलुलर जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई किया गया था जबकि ये जो है सेलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है ठीक है दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर इसको थोड़ा थोड़ा बताया गया है मैं सर आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल में तो देखते हैं ऑल ऑफ अस हु हैव इट सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड आप कॉमन कोल्ड जैसे कहते ना कि फ्लू है कोई फ्लू चलता है जैसे कि आपके ऐसे कोई चलता है ना किसी को बुखार हो गया तो तुम ऐसे किसी पर्सन को बुखार हो जाता है या ठीक है कोल्ड हो जाता है या खांसी जुकाम आने तो दूसरे को भी आने लगता है फिर धीरे धीरे थोड़े बहुत सारे लोगों को भी आने लगता है ऐसे ये सब इसे क्या कहते हैं हम कहते हैं ना वायरस के इफ़ेक्ट्स हैं ठीक है ठेके? है वॉनर्स हमारे जो हमें जो होते हैं इवन इफ इवे वी डू नॉट एसोसिएट अगर हम ना देखें इट विल अवर कंडीशन और अपनी कंडीशन को अगर ना देखें तो वे डिड नॉट फाइंड एन प्लेस तो हम फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन हम देखें देखो वायरस को क्लासीफाई नहीं किया गया दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग इसे ट्रूली लिविंग नहीं कहा गया देखो वायरस को ट्रूली लिविंग नहीं कहा गया इसको यहाँ नॉन लिविंग और लिविंग में अभी तक कन्फ्यूज़न है कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है क्योंकि वायरस जो है वो दो करेक्टर्स शो करते हैं ठीक है अगर वो किसी नॉन लिविंग चीज पर है तो वो नॉन लिविंग जैसे बिहेव करते हैं अगर किसी होस्ट उसको मिल जाता है या ह्यूमन बीइंग या कोई और ऑर्गेनिज्म उसको अगर टच अगर मिल जाता है तो वो एक लिविंग की तरह बिहेव करते हैं इसलिए अभी तक ये कंसीडर नहीं किया गया है कि कि ये ट्रू लिविंग है कि, कि कि नॉन लिविंग ये भी, भी है ठीक है अभी अभी सस्पेंस है ठीक है साइंटिस्ट्स रिसर्च कर रहे हैं ए वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोस ऑर्गेनिजम दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं उनको मानते हैं जिनका सेल स्ट्रक्चर होता है ठीक है दी द देखो हम लिविंग उनको कहते हैं जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है बट इसमें इस कोई सेल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता मतलब स्ट्रक्चर तो है पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ये वायरस जो है उसमें डिफरेंट चीज़ है द वायरसे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज नॉन सेलुलर यानी कि सेलुलर ऑर्गेजम्स नहीं होते सेल बना होता है बस टाइप का ऑर्गेजम्स नहीं वैसे करेक्टर से देखने को नहीं मिलते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल इनमें क्रिस्ट इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल इसका मतलब क्या है यहाँ पे इसका मतलब है कि, कि जो ये जो स्ट्रक जो है ये लोकोमोशन नहीं करते मतलब लोकोमोशन यानी कि इनमें लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनमें जो है एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड से लिविंग सेल होता है वैसे स्ट्रक्चर इनमें पा रहता है ये बताया गया ठीक है आगे देखते हैं क्या है बुक में आपको इसके जो स्ट्रक्चर दे रखा है वायरस का इसके बारे में डिटेल में बताते हैं उससे पहले थोड़ा सा रीड uh, कर लो देखो वंस दे इन्फेक्ट सेल जब भी किसी भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो ये क्या, करते, है? uh, क्या है और, और करते हैं उस होस्ट पर क्या हो जाता है उस होस्ट पे आ जाते हैं और और एप्लीकेट करते हैं उस होस्ट को मार देते हैं अब डू यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग को लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे देखो वायरस जो है नॉन लिविंग लिविंग दोनों करेक्टर शो करता है मान लो कोई वायरस है किसी नॉन लिविंग थिंग पे है ठीक है तो वो क्या करेगा वो रेप्लीकेट नहीं करेगा तब आ रहे रेप्लीकेट नहीं करेगा ठीक है बट अगर वायरस किसी लिविंग पे आ गया किसी लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल पे लग गया ठीक है जैसे तो आपने किसी वायरस को छू लिया तो वो आपके स्किन में घुस जाएगा स्किन घुस के आपके सेल में घुस के आपका जो डीएनए है ठीक है डी हो या आर एन एस में डी एन ए पाया जाता है मतलब कुछ ऑर्गेनिज उसमें आर एन ए पाया जाता है उसको क्या करेगा उसको जैसे कि हम लोग के डी एन ए पाया जाता है तो उसको क्या करेगा उसको हटा के आर एन ए की कॉपीज बनाना शुरू करेगा मतलब कि वो ऐसा मतलब कि आर एन ए की कॉपी बनाएगा वो ऐसी मशीन यूज़ करेगा जिससे क्या होता है कि डी एन ए हमारा कन्फ्यूज़ हो जाएगा समझ रहे क्या कह रहे हैं तो इससे क्या होगा इससे इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में क्या होगा कि जो वायरस है वो वो क्या करेगा मल्टीप्लाई होने लगेगा मल्टीप्लाई न होकर पूरी बॉडी में फैल जाएगा और पूरी बॉडी में फैलने के बाद क्या होगा हमारी बॉडी में जैसे किडनी लिवर ऐसे जो ऑर्गेंस होते हैं ये काम करना बंद कर दे तब धीरे धीरे करके जो भी होस्ट होता है वायरस का जो भी लिविंग होता है उसको वो क्या करता है डेड हो जाता है मतलब डेथ हो जाती है फिर उसकी क्या कह रहे हैं ये वायरस करता है ठीक अब क्या है ये स्ट्रक्चर देखो वायरस का देखो इस स्ट्रक्चर में देखो ये क्या है एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है देखो इसकी थ्री सेक्शंस है पहला हेड है दूसरा कॉलर तीसरा शीत देखो इसके जैसे देखा जाए तीन है वैसे शीत इसके ऊपर यहाँ कवर्ड है और ये ये जो टॉल फाइबर है देखो क्या होता है कि कि जो ये जो वायरस है किसी भी लिविंग पे लगता है तो यहाँ से ये अलग हो जाता है अलग होने के बाद जो ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअली ऊपर की कवरिंग है इसे कैप कैप्सिट कहते हैं देखो कैप्सिड है ये ऊपर की कवरिंग होती है जो कि जो भी जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का जो भी जेनेटिक मटेरियल जो आर एन ए देखो आर एन ए जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ठीक है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है किसको वायरस को प्रोटेक्ट करता है ठीक है ये इसका हेड है इसका कॉलर है शीत है और ये टेल फाइबर से, देखो, ये है देखो ये वायरस है ठीक है ये बैक्टीरियो फेज फैक्टीरियो यही बैक्टीरिया में लगने वाला वायरस है देखो ये इतना स्मॉल होता है कि बैक्टीरिया के अंदर भी घुस जाता है और उसको इन्फेक्ट करता है यह भी किसी भी बैक्टीरिया में जैसे घुसा तो यह से अलग हो जाएगा कहाँ से यहाँ से अलग हो जाएगा और जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये उस सेल है ये ये लिविंग सेल है उसके अंदर क्या हो जाएगा घुस गुछ जाएगा घुसने के बाद जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा चाहे उसका जेनेटर डी एन ए आर एन ए अगर डी एन ए है तो उसको हटा के आर एन ए की कॉपी करना शुरू करेगा ठीक है ये आर डी एन ए को कन्नफ्यूज़ कर देगा और आर एन ए की कॉपी करेगा और उसके उसके हिसाब से पूरा सेल को फंक्शन चलेगा इस वजह से मल्टीप्लाई होता रहेगा पूरी बॉडी में फैल जाता है ठीक है समझ में आया और ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना ये अजीब ये थोड़ा spin, ये थोड़ा स्ट्रक्चर देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना अजीब सा मूंगफलियों के दाने जैसा स्ट्रक्चर देखो एक एक पर्टिकुलर बात करें तो ये कवर मतलब ये क्या है ये जो पूरी है मगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैप्सिड है कैप्सिड की कोटिंग होती है कवरिंग होती है ठीक है जिस वजह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये आर एन ए आर एन ए क्या सिंगल स्टैंडर्ड है सिंगल और डबल स्टैंडर्डो ये जो आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड एक

ये जो है टॉबेको टोबेको एक प्लांट है ठीक है मोजेक मोजेक का मतलब क्या होता है वो मोजेक एक वो देखिए ना पेंटिंग्स होती हैं या डेकोरेशन का कुछ होता है तो उसके तुम देख देखी होगी तुमने तो ये वैसा स्ट्रक्चर होता है वायरस का वायरस का वैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अगर माइक्रोस्कोप से हम देखें तो वायरस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मोजेक जैसा स्ट्रक्चर होता है और टॉबेक प्लांट में ये वायरस लग जाता है ठीक है और जो सेकेंड वाला हम देखिए जो सेकेंड वाला है वो क्या है बैक्टीरियो फेज है बैक्टीरियो फेज यानी कि बैक्टीरिया में जो लगता है है वायरस ठीक है आप चलो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा ठीक है अब मैंने आपको इतना समझा दिया और देखते हैं क्या इसमें क्या ले रखा है आ, दे रखा है द नेम वायरस जो वायरस का नेम है मतलब जो पर्टिकुलर एक पहला शब्द कि ये जो महा जो महामारी है ये जो भी वो पर्टिकुलर जो महामारी होती है जो भी एपिडेमिक uh, है उसका जो भी है उसका जो नाम जो पहले जो निकाला है वो वायरस वायरस जो वर्ड है वो वैनम और पॉइजनस फ्लूड से आया है ठीक है पॉइजनस फ्लूड वॉज गिवन बाय डेमेत्री इवेन ये जो थे इन्होंने क्या किया है डिस्कवर किया है डिस्कवरी वायरस की किसने की है डेमेत्री इवेन मेरे साथ रीड करो और जो भी प्रोनाशिएशन है उसको अच्छे से प्रोनांशिएट करो क्या है डेमेट्री इवेन यह जेमेट्री इवेनोस्काय 1892 में इन्होंने क्या किया वायरस की डिस्कवरी की ठीक है कब इन्होंने डिस्कवर किया देखो सर्टेन माइक्रोब्स कॉज इन्होंने क्या इन्होंने देखा कि कुछ माइक्रोब्स हैं ठीक है कुछ माइक्रोब्स हैं वो क्या कर रहे हैं और कॉजल ऑर्गेनिज्म

पाई गई कौन साइंटिस्ट है जिमित्री वेनास्क उन्होंने देखा कि अरे ये ये माइक्रोब्स लग गए हैं मोजेक क्या तो माइजेक जिसके झूले से, से आ, कोई लीफ होती है लीफ ऐसे ठीक है लीफ होती है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ थोड़ा ऐसे धब्बा धब्बा सा को सफेद या ऐसे कल के स्ट्रक्चर बनते हैं डेकोरेशन देखा होगा ना तो वह ऐसा टाइप का वो क्या कर रहा था वो तो, वो जो, जो वायरस था वो टोबैको की जो पत्तियां थी ना पत्तियाँ उसमें कुछ ऐसा कर का स्ट्रक्चर बना रहा था देखने को मिलती है कि क्या चीज है उन साइंटिस्ट देखा है ये क्या चीज है सफ़ेद सफेदी सफे क्या कट रही है पत्तियाँ क्यों खराब हो रही है तो ये मोजे लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था उसमें ठीक है तो उसका नाम तभी टोबैको मोजे वायरस टी एम बी नाम पड़ा तो आगे देखते हैं आ, हमने क्या बताया था हाँ अब आगे देखते हैं कि एमडब्ल्यू डब्ल्यू बिजन बिजनिक क्या नाम है पढ़ेंगे एमडब्ल्यू डब्ल्यू 1898 में डिमॉन्स्ट्रेटेड डेट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको इन्होंने एक इन्होंने क्या करा इंफेक्टेड प्लांट टोबैको का था जो कि इन्फेक्टेड था उसने इन्हों ये बताया देखो एमडब्ल्यू बेजन ने बताया कि ये जो चीज है ये क्या कर रही है जो वायरस नाम की जो चीज़ है ये क्या करती है इन्फेक्ट करती है यानी कि जो हेल्दी प्लांट्स है उनको भी इन्फेक्ट जैसे कोरोना वायरस हम देते हैं कि दूर रहने के लिए क्यों क्योंकि अगर एक व्यक्ति ठीक है कोरोना वायरस अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो वो क्या करते हैं दूसरे व्यक्तियों को भी क्या करते है इन्फेक्ट करते हैं वैसे इन्होंने देखा कि ये जो टोबेको तो� वायरस है क्या कर रहा है एक प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है ठीक है कॉल द फ्लूड एज कॉन्टेजियम वेवम फ्लूडम देखो इन्होंने क्या करा कि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स है टोबेको का वो इन्फेक्ट कर रहा है हेल्दी प्लांट्स को और इन्होंने एक फ्लूड बताया इन्होंने एक नाम बताया एक फ्लूड ही कैसा ऐसे फ्लूड बताया कि क्वान्टेजियम वेवम फ्लूडम यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड है जो कि उन सब में पाया जा रहा है मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि वो कैसे जैसे कि आ, हम जैसे छींकते हैं छींकते हैं तो हमारे जो छींक के साथ किसी और को वो जो भी निकलता है वो किसी और को इन्फेक्ट करते जैसे कोई फ्लूड के द्वारा फैलता है वैसे क्या है कि इन्फेक्शस लिविंग फ्लूड है कोई ऐसा फ्लूड के द्वारा क्या होता है कि पूरे हेल्थ प्लांट्स में क्या हो रहा है फैल रहा है ठीक है उन्होंने ऐसे नाम दिया कॉन्टेजियम वेवम फ्लूडियम इन्फेक्शस लिविंग फ्लू ठीक है डब्ल्यू एम स्टेनले क्या है डब्ल्यू एम स्टेन थर्टी फाइव में दिखाया देखो इसमें ये कहा गया है की मैंने आपको अभी वायरस का स्ट्रक्चर दिखाया वाला वायरस ऊपर क्या आपने जो कोटिंग देखी कोटिंग सॉरी मतलब ऊपर का जो स्ट्रक्चर देखा हेड का स्ट्रक्चर वो क्या है वो क्रिस्टलाइज्ड है

क्लियर हो रहे हैं कि क्या कह रहे हैं ऑब्लिकेट पैरिसाइड्स ऑब्लिकेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी जीव पर लगते हैं किसी भी मन कि फैलते जाते हैं ठीक है और मतलब उस अगर वो चले गए तो वो इन्फेक्ट कर जाएगा इनर्ट आउट आउटसाइड स्पेसिफिक हॉस्टल देयर इनट आउटसाइड देर इनफेक्ट मतलब कि ये क्या करते हैं ये कोई बाहर है इसका मतलब ये होता है, किसी के है हो, होस्ट सेल के अगर वो बाहर है तो वो लोकोमोट नहीं करेगा अगर जैसे ही वो किसी भी होस्ट सेल के अंदर गया तो वो लोकोमोट करना शुरू कर देगा मतलब कि अपने आप को रेप्लीकेट करना शुरू करेगा आगे देखते हैं इन एडिशन टू प्रोटीन हाँ इन एडिशन टू प्रोटीन्स प्रोटीन के एडिशन में मतलब प्रोटीन की बात हो रही है जैसे कि हम प्रोटीन बता रहे हैं वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल वायरस जो है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए वो आरएनए और डीएनए या दोनों दोनों हो सकता है नो वायरस कंटेन बोथ वायरस आर एन ए डी एन ए दोनों कंटेन नहीं कर सकता इसमें क्या दे रखा है ध्यान से सुनो आँखें खोल के नींद नहीं आए बिल्कुल बोर होते हुए ना बिना बोर होते हुए क्या कह रहे हैं इसमें कि जो वायरस है वो आरएनए और डीएनए मतलब कि आरएनए या डीएनए या आरएनए रखेगा या डीएनए रखेगा बट आरएनए डीएनए दोनों नहीं रख सकता ठीक है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए डीएनए नहीं रख सकता अ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन का है न्यूक्लियोप्रोटीन membrana तो nucleus प्रोटीन का हुआ द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस होता है वो रेप्लीकेट करता है अगर वो वायरस है वो अगर आर एन ए है या डी एन ए है उसका जेनेटिक मटेरियल तो वो क्या करता है वो वाला जेनेटिक मटेरियल उस होस्ट के अंदर जाके उसको अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करता है रेप्लीकेट करता है यानी कि उसको डिवाइड करना शुरू करता है कॉपीज बनाता है इन जनरल बेसिस बताए वायरस डेट इन्फेक्ट प्लाट जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए होता है एंड वायरस डेट इनफेक्ट एनिमल्स वो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आर एन ए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डी एन ए देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है यहाँ पे जरा ध्यान से सुनो इसमें ये कहा गया है कि जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है ठीक है ये प्लांट है और ये एनिमल ठीक है जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है जो वायरस क्या करता है प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो क्या होता है सिंगल स्ट्रेंडर्ड आ रहे यानी कि जो उसका जो सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि सिर्फ ऐसे सिंगल स्ट्रेंडर्ड होता है ठीक है और, और ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं कि जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है वो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है ठीक है और साथ साथ में क्या कहा गया इसमें और साथ साथ में कहा गया और डबल स्टैंडर्ड ये चीज दिमाग में रख लो ठीक है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना जब वायरस किसी प्लांट पर लगता है तो तब उसमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिस वायरस में वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ठीक है अगर वो वायरस एनिमल में लगा तो जो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है समझ में आया क्या कह रहे हैं समझ लो अच्छे से ये बात ठीक है कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना इस चीज को लेकर ठीक है एनिमल्स में सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एगा या डबल स्टैंडर्ड आर एन एगा या डबल स्टैंडर्ड डी एन ए होगा और प्लांट्स में सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए डबल स्टैंडर्ड आर एन ए नहीं पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस वायरस के जेनेटिक मटेरियल में सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए नहीं होगा जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे समझ आया क्या कह रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं आ गया होगा ना आ ही गया है ना समझ में यही कह रहे हैं ना जेनेटिक मटेरियल वायरस के जेनेटिक मटेरियल की बात करें वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें ठीक है हम प्लांट के एनिमल के जेनेटिक मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम वायरस के जेनेटिक मटेरियल की बात करें कि जो वायरस है वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल होगा जेनेटिक मटेरियल में क्या होना चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए

ये रेखा ठीक है एनिमल्स और प्लांट्स ठीक है हम प्लांट्स एनिमल्स के जेनेटिक मटेरियल की बात नहीं करें हम वायरस के जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं क्लियर आप कोई डाउट नहीं होगा नहीं होगा ना बिल्कुल आगे देखो क्या दे रखा है इसमें की ठीक है बैक्टीरियल फे वायरसेस या, दे या बैक्टीरियो मतलब कि जिन बैक्टीरियज में वायरस इन्फेक्ट करता है या उनको बैक्टीरियल वायरस कहते हैं या बैक्टीरियल फेजिस वायरस कहते हैं वायरसेस डेट इन्फेक्ट द वायरस बैक्टीरिया जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है आज यूजली डबल स्टैंडर्ड डी एन ए वायरस वो क्या होता है वो डबल डबल स्टैंडर्ड डी एन ए वायरसेस होते हैं यानी कि जो बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया है ठीक है बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया ठीक है हाँ जो बैक्टीरिया है वो जो वायरस होता है वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है कैसा होता, 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 होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है यूजली कहा गया है ठीक है मतलब कि ज़्यादातर यही होता है ठीक है यही होता है बैक्टीरियाज में ठीक है द प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोम देखो जो स्ट्रक्चर देखा था टोबेको मोजेक वायरस में ऊपर ऊपर जो स्ट्रक्चर एक बार दिखा देते हैं उसमें क्या दे रखा है आप दिखाया तभी तो उसमें जो कोटिंग होती है जो आर को प्रोटेक्ट करते है वो किसकी बनी होती है प्रोटीन की होती है उसको क्या कहते हैं कैप्सिड कहते हैं और जो कैप्सिड होते हैं ना एक कैप्सिड पूरा स्ट्रक्चर क्या कैप्सिड और छोटे छोटे जो सब यूनिट्स उसके मैलस कहते हैं जो, कहते है, जो एक बार समझा देते हैं ऐसे नहीं आएगा देखो ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रही है ये ये रस है ठीक है क्या है कैप्सोमेरस जब ये छोटे छोटे कैप्सोमेरस आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना रहे कैप्सिड ठीक है कैप ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है ठीक है प्रोटीन मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है ये समझो इसमें कह रहे जो प्रोटीन कोट है ये किस चीज की कोटिंग है प्रोटीन की ये जो प्रोटीन की जो कोटिंग है वायरस के ऊपर इसे क्या कहते हैं कैप्सिड कहते हैं और ये क्या कहते हैं सब यूनिट्स से बनता है यानी कि जो सब यूनिट्स है यानी कि उसको ये जो ये जो सब यूनिट्स दिख रही है छोटी 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 जो सब यूनिट्स है इसको इसको कैप्सोमेर कहते हैं इसका काम क्या होता है ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो भी आर एन ए होगा या जो भी डी एन ए होगा उसको प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल जो भी इसमें

ये प्रोटेक्ट करता है किसको प्रोटेक्ट करता है ये ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है यानी जो भी आर एन है या जो भी डीएन है उसको प्रोटेक्ट करता है ये जो कैप्सोमर्स होते हैं अरेंज इन हेलिकल हेलिकल या पॉलीहेड्रल जेमेट्रिकल फॉर्म्स यानी कि ऐसे अरेंज होता है जैसे कि एक जेमेट्रिकल फॉर्म जैसे कि पॉलीहेड्रल क्या होता है यानी मैनी फेसेस मैनी कि बहुत सारे फेसेस के मतलब कि आपने बैक्टीरियो फेज का स्ट्रक्चर देखो उसका जो हेड है, है। इतने सारे ट्राइंगल करके पॉलीगॉन है? ये क्या है पॉलीहेड्रल ये क्या है सारी? सारी है इनके फेसेस है कुछ बहुत सारे फेसेस है तो वैसे ये थ्री डी स्ट्रक्चर होता है ठीक है इसका स्ट्रक्चर देख लो फिगर देखो टू पॉइंट सिक्स बी बैक्टीरियो जैसे इसका जो हेड है ये पॉलीहेड्रल है ठीक है ये जो है पॉलीहेड्रल समझो ना हेलिकल कहते हैं मतलब कि स्पायरल से समझो वायरसेस क्या करते हैं डिसीज करते हैं जैसे कि मम स्मॉल पॉक्स हर्ब्स इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां लेकर आते हैं एड्स डिफिशेंसी सिंड्रोम जो में होता है इज कॉल्ड बाय कॉल्ड बाय वायरस ये जो डिसीज ह्यूम्स में होती बीमारी जो होती है वायरस के द्वारा ही बीमारियाँ होती हैं ठीक है इन प्लांट्स में दिमटम्स कैन बी मोजिक फॉर्मेशन देखो प्लांट्स में क्या होता है कि मोजिक देखो प्लांट्स में कैसे डिसीज सिमटम्स क्या है सिम्टम्स क्या है कि हम लोग उसकी लीफ देखें जैसे ये है लीफ लीफ है ठीक है उसमें अजीब से धब्बे जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं लाइक स्ट्रक्चर होता है ये बनता है क्रोल है क्रॉल यानी कि ऐसे करके स्पायरअली क्रॉल करलिंग हो रही है कर्ल कर्ल जानते ना कर्ल होना येलो अपने हेयर्स देखो जिनके कर्ली हेयर्स होते हैं लीव्स क्या होती है कर्ल करती है येलोइंग होना या कि पीली पड़ना पत्तियाँ पीली पड़ना उनकी या प्लांट पीली होना एंड वीन क्लियरिंग वीन क्या होती है जैसे ये लीफ है यहाँ देखो जैसे ये लीफ है इसकी जो ये जो चीज होती नहीं है ना ये ये ऐसे करके बनी होती है इन वीन्स का क्या होना गायब होना वीन्स को खाना ठीक है वो क्या वायरस क्या होती है वीन्स को गायब कर देती है मतलब क्लियर दिखती नहीं है मतलब जो प्लांट है उसमें जो दिखती है होती है वीन्स ठीक है डॉल्फिन डॉल्फिन यानी कि प्लांट की ग्रोथ ना होना या छोटा होना ठीक है स्टंटेड ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ होना यानी कि ग्रोथ रुक जाना ये सब क्या है प्लांट्स में वायरस के इन्फेक्ट होने के क्या है सिम्टम्स हैं वायरस अगर प्लांट को अगर क्या कहते हैं इन्फेक्ट कर जाता है तो प्लांट्स में ये सब चीज देखने को मिलती हैं समझ तो में आया क्या कह रहे हैं आगे चलते हैं अब बात करते हैं वायरोइड्स की ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वायरस वायरस जैसे वायरुस है वैसे आ, बहुत इंटरेस्टिंग में इसकी डिस्कवरी हुई थी किसने किया था टीओ डायनर डिस्कवर्ड टीव न्यू डिस्कवर एजेंट डिस्कवर किया जो कि स्मॉलर था वायरस से वायरस से भी ज्यादा स्मॉलर स्ट्रक्चर वायरॉय देखा गया एंड कॉज पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इसने क्या किया इस ये पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिस नाम पोटैटो में क्या मतलब इसने क्या किया ये एक वेजिटेबल पोटैटो वेजिटेबल उसमें ऐसी डिसीज के जिसको नाम किया पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज किया गया इट वॉज स्माउट टूबी फ्री अ फ्री आरएनए मतलब सिंगल स्पेंडेड आरएनए इट लैक द प्रोटीन कोट इसमें कैप्सिड या प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है जैसे हमने वायरस में देखा था कि कैप्सिड की कोटिंग होती है और डीएनए कवर होता है बट यहाँ पे जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है इसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है वायरॉइड्स में ना डीएनए डीएनए नहीं पाया जाता सिंगल स्टैंड आर एन ए पाया जाता है क्या पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंड आर एन ए

ठीक है वायरस है प्रोटीन्स नहीं थे तो इसको नाम ऐसे रखा गया ठीक है द आर एन ऑफ द वायरोइड वॉज अ लो मॉलिकुलर वेट मॉलिकुलर वेट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल थे क्योंकि सिंगल स्टैंड है इसलिए प्रायउन्स सॉरी प्रयोन्स क्या है इन मॉडर्न मेडिसिन में सर्टन इन्फेक्श न्यूरोलॉजिकल डिसीज ठीक है न्यूरोलॉजिकल डिसीज यानी कि जो नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता हो वो डिसीज है ये बट मॉडर्न मेडिसिन सॉरी मॉडर्न मेडिसिन ठीक है इन मॉडर्न मेडिसिन यानी कि जो नई खोज हो रही जो भी उसमें वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय ये किसके द्वारा फैलती हैं एजेंट कंसिस्ट ऑफ एब फोल्डेड प्रोटीन ये क्या है आ, ये ये क्या है ये जो डिसीज़ है ये फैलने वाली डिसीज़ इसमें का जो प्रोटीन है वो ऐब नॉर्मली फोल्डेड है इसका मतलब है कि इसमें जो जो भी ये होता है ना ऐसे ऐसे हम बताते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर को प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है कि जैसे ये ठीक है ये से कर्ल होता है फोल्डेड होता है ठीक है फोल्डेड इसमें ऐप नॉर्मली नहीं अजीब तरीके से ऐसे करके फोल्ड होता है अजीब तरीके से होता है मतलब इसमें समझ नहीं आता फोल्डिंग जो होती है नहीं आती ठीक है उस टाइप से इसमें क्या होता है फोल्ड होता है

एनसेफ्लोपैथी बी एस ई देखो ये जो डिसीज है ये बहुत ज़्यादा देखी गई है प्रियोन्स के द्वारा वायरस जैसे कि तो जैसे जैसे एच आई वी का वायरस होता नहीं एड्स ठीक है एड्स जैसे कि बहुत ज़्यादा देखने को मिला है वैसे प्रियंस की बात कर तो प्रियोन्स में बी एस ई बी एस सी क्या है बोविन स्पॉन्जिफॉम एनसेफ्लोपैथी कॉमनली कॉल्ड मेड काउ डिसीज़ कहते हैं कैटल्स में होता है ठीक है एक चीज़ जो वायरोड्स है ना वायरोड्स वो वो सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं ये जो वायरय्स है ना ये प्लांट को सिर्फ इन्फेक्ट करते हैं ठीक है ये बता दिया हमने आपको और जो वायरस है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं वायरस ठीक है और प्रियंट्स जो है वो आ, दोनों को इन्फेक्ट करते हैं मतलब प्रियोट जो है लिविंग नॉन लिविंग दोनों को ही करी मतलब लिविंग में प्लांट्स एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं ठीक है देखिए इसको क्या कहते हैं बी एस ई जो कॉमनली डिसीज़ है मेड काउ डिसीज़ इससे क्या होता है कि जो काव है वो मेड हो जाती है कैटल्स में होता ही है ये एंड इट्स एनोलॉगस वेरिएंट सिया जैकोबेक सी जे डी इन में भी देखा गया है ये ठीक है अब बात करते हैं लाइकेंस की लाइकेंस क्या है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइकेंस भी जैसे और सब टॉपिक्स हैं वैसे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो लाइकेंस की बात करते हैं लाइकेंस और सिम बायोटिक एसोसिएशन सिम बायोटिक एसोसिएशन्स मतलब कि आपस में संबंध बना के जो आ, होता है वो उसका म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस यानी कि ऐसा एसोसिएशन हो जिसमें दोनों का फायदा हो यानी कि जो भी जुड़ रहा है उसमें दोनों का क्या होता है फ़ायदा होता है तभी तो जैसे कि आप किसी से भी कोई भी काम किसी का भी कोई भी काम अगर कोई कहता है ठीक है आप काम करते हो ठीक है जैसे कि आप ऑफिस में ये आप तो नहीं मतलब कि कोई भी पर्सन ऑफिस जाता है ठीक है वो उनका काम करता है फाइल्स बनाता है जो भी करता है ठीक है तो उसमें दोनों का फायदा तभी तो वो दोनों आपस में जुड़ते हैं जब कंपनियां आती हैं जैसे कि आ, जियो वाली कंपनी जुड़ी रिलायंस जियो ठीक है उन्होंने आ, वो हुआ तो दोनों का इसमें फ़ायदा होगा तभी तो दोनों में क्या हुआ जैसे गठबंधन होता है सरकारों का मेनली जो सरकार है कौन सी मायावती की बहुजन समाज पार्टी और उसकी अखिलेश यादव की जो है ठीक है उनमें गठबंधन देखा जाता है क्या है गठबंधन होता है उनमें क्यों गठबंधन होता है दोनों का कुछ फ़ायदा होगा तभी तो गठबंधन कर रहे हैं तो दोनों का कुछ फायदा होता है ना वैसे ही इस ये जो रिलेशनशिप है ये म्यूचुअली येम बायोटिक एसोसिएशन जैसे कहते हैं ठीक है थे? वैसे उस रिलेशनशिप रिलेशनशिप को ये जो है इसको लाइक नाम दिया गया इसमें क्या होता है अलगी और फंजाइन इन दोनों के बीच में सेम रिलेशनशिप होता है ठीक है अलग जो अलगल कंपोनेंट होता है उसके फाइकोबाय कहते हैं और जो फंगल कंपोनेंट उसे माइकोबाइन्ड कहते हैं समझ में आया क्या कह रहे हैं विचार ऑटोट्रॉफिक एंड हैफिक होते हैं ऑटोट्रॉफिक यानी खुद अपना भोजन बनाते हैं हेट्रोट्रॉफिक है दूसरों पर डिपेंड होते हैं ठीक है हम्म क्या है एंड माइकोबाय ठीक है जो फंगल है वो माइकोबैंड है और जो अलगल कंपोनेंट है माइकोबैंड होता है ठीक है तो इन दोनों में क्या होता है जैसे कि ये है अलगी है ठीक है अलगी का स्ट्रक्चर है ठीक है ऊपर सॉरी फंजाई का स्ट्रक्चर तो उस पर अलगा ऐसे करके अरेंज हो गया आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ठीक है तो क्या होता है कि जो अलगी है वो खाना खुद बनाती है ठीक है ऑटोट्रॉफिक है मतलब खाना खुद बनाएगी ठीक है फॉर फंजाई के लिए और फंजाई क्या करता है प्रोवाइड शेल्टर एंड ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिय एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर देखो क्या करता है कि अलगी और फंजाई देखो अलगी अपना खाना खुद बनाती है बट वो जो उसको पर जो जगह चाहिए होती है रहने के लिए जो घर है वो क्या देते हैं फनजाए फनजाया जो होता है उसको घर दे देता है रहने के लिए जैसे कि एग्जांपल बताए तो हाँ जैसे कि यही समझ लो कि जो अलगी है वो खाना बनाती है ठीक है और फनजाए जो करता है उसको मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वाटर ये सब सॉरी ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब क्या करता है प्रोवाइड करवाता है किसको अलगी को प्रोवाइड करता है अलगी खाना बनाती है ठीक है अ, ये फन ये अलगी ठीक है अलगी और ये फनजा ठीक है? है, है ये क्या करेगी ये जो अलगी है ये क्या करेगी ये जो फंजाई है फंजाई ना इसको घर देगा रहने के लिए अब फंजाई क्या करेगी इसके बदले में इस इसकी तो फ्रेंड है ना ये दोनों फ्रेंड है तो ये करे खाना ये बनाएगी ऑटो ट्रॉफी के तो ये खाना बना के कुछ खाना जो है ये फंजाई को भी प्रोवाइड करवा देगी दोनों ही आपस में ऐसे रहेंगे मिलजुल के ठीक है जैसे रहते हैं हम लोग जैसे फ्रेंड्स हम लोग रहते हैं साथ में ना वैसे ये लोग क्या करेंगे ये लोग भी ऐसे ही रहते हैं ठीक है सो क्लोज इज देर एसोसिएशन जितना क्लोज होता है दैट इफ वन साइक एन को देखे इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैव टू डिफरेंट ऑर्गेजम अगर हम लाइकन को देखे देखो कोई भी पत्थर है जंगल में जाओ जंगल में क्या करोगे जाके करना क्या है हाँ सही बात है करना क्या है तो वैसे अगर आप इमेज देखें गूगल पे सर्च करना ठीक है इमेज देखो तो आप देखोगे कि पत्थर है पत्थर पे क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको ये अजीब सा ग्रीन ग्रीन सा वाइट वाइट थोड़ा ग्रीन वाइट स्ट्रक्चर ठीक है तो ये वाइट जो स्ट्रक्चर होता है तो ये क्या होता है लाइकेन होता है हम इसमें क्या होता है कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अलगी लगी कि फंजाए लगाए ठीक है अलगी कि फंजाए है तो बट जो एसोसिएशन होता है कि वो लाइक लाइकेन होता है जगह जगह पर लगता है छोटी छोटी जगहों पर हम देखें तो जंगल में या फॉइल में ठीक है प्लांट है सॉरी ट्री है ट्री के ट्रंक जो ट्रंक होता है जो बड़ा सा सत्ता ठीक है उस पर लग देखने को मिलता है पत्थरों पे लग आ, मिलता है ठीक है ऐसे ये लाइकेंस लगते हैं ठीक है थीके? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मतलब लिविंग क्या मतलब और जो मैं लाइकेंस जो है आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं पॉल्यूशन uh, इंडिकेटर्स को मतलब कि ये पता चल जाता है कि दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकेंस देखने को आपको नहीं मिलेंगे जैसे जंगल में लगता है ठीक है क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है इसलिए जहाँ पॉल्यूशन है, है वहाँ लाइकेंस नहीं ग्रो करते हैं और जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पर ग्रो वहाँ पे पॉल्यूशन जहाँ पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे लाइकेंस ग्रो करते हैं इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइकेंस के बारे में क्या बताया जा रहा है अलगी और सन्जाए का जो, जो एसोसिएशन होता है ठीक है ये सेम इसे सेम से बायोटोक एसोसिएशन कहते हैं दोनों अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं देखो हमेशा जैसे कि हम आपको कोई चीज़ देते हैं ठीक है तो मतलब कोई भी फायदा हो कोई कोई फ़ायदा होता है ना दोनों के तो ऐसा लेन देन होता है या रहते हैं ठीक है कोई फ़ायदा होता होगा जरूर ठीक है तो समझ में आ रहा होगा ना क्या कह रहे हैं हम तो इसी साथ इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं रिप्लाई जरूर करूँगी कोशिश तो करूँगी अगर ठीक है टाइम हुआ तो मैं जरूर करूंगी क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जितना ज्यादा डाउट्स होते हैं ना उतना ज़्यादा अच्छा है अब क्यों अच्छा है क्योंकि जब जो डाउट्स होते हैं वो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को खोजने में लगते हैं कि ऐसा क्यों है इस चीज़ से कोई नई चीज़ निकल के आती है कोई नई चीज़ सामने आती है जो बहुत इंटरेस्टिंगली हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो इससे हम लोग के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते जाते हैं ठीक है कोई डाउट फिर से क्या होता है कि समझ में आने लगता है क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है ठीक है तो ऐसे इसकी क्या है तो इसकी इस चैप्टर की बता देते हैं चैप्टर में देखो समरी इस चैप्टर में कुछ नहीं है इस चैप्टर में जस्ट बताते हैं एक मिनट तो इस चैप्टर की समरी में यही है कि आर्स वेटिकल जो थे ठीक है बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की तो उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए प्लांट्स एनिमल में क्लासिफाई किया तो अब क्या है कि क्लासिफाई आर्स वेटिकल ने क्लासिफाई कर पांच किंगडम्स क्लासिफाई करे एक तो मॉडर्न प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया प्लांटी इन्होंने किया अब इन सबको तो कर दिया जो लिविंग थे जो सेलुलर थे सेल था जिनमें ठीक है और जिनमें सेल जो सेल जिनका स्ट्रक्चर समझ नहीं आता था जिन जो नॉन लिविंग या लिविंग में थे ठीक है और जो ठीक है और लाइकेंस, ठीक है लाइकन से अलग और फंजाये तो क्या है ये लिविंग है उससे अल्डर भी है पर इनको अलग से एक टॉपिक दे दिया गया आपको बताने के लिए क्या है लाइकेंस ठीक है पर लाइकेंस लिविंग है ठीक है इन सब में कन्फ्यूजन है किस में कन्फ्यूजन है वायरस वायरॉइड्स में कन्फ्यूज़न है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो समझ नहीं आता है अभी फिर रिसर्च चल रही है तो यही इस चैप्टर में बताया कि कैसे लिविंग ऑर्गनम्स को क्लासीफाई किया गया और आगे के चैप्टर जो है चैप्टर थर्ड और किंगडम प्लांटी किंगडम हाँ ठीक है किंगडम प्लान्ट के बारे में देखते हैं आगे चलते हैं और सेकेंड चीज़ की इस चैप्टर में किसी चीज़ से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना बताऊंगी रिप्लाई करूँगी और सेकेंड चीज़ ये कि नोट्स नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है नोट्स तो नोट्स में आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़ा समझा दूंगी देखो मैं इसके लिए अलग से कोई चीज़ नहीं देती मैं वीडियो बना देती हूँ इसलिए बनाते जिससे आप लोग को समझ में आए अगर नोट्स अगर बुक्स में होंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजीली हो जाएगा ठीक है इसे बुक जैसे आपने जिस चीज़ से पढ़ी अगर उसी चीज़ से नोट्स भी मिलते तो थोड़ा ईजी हो जाता है और अगर कुछ और नई चीज़ें एडिट करनी होंगी तो कर दी जाएगी क्योंकि पूरे एम सी आर टी है ठीक है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इस चैप्टर में कुछ भी ऐसे कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ नहीं है और, और क्या और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिर किंगडम प्लान तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थम््स अप द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगे तो और सब्सक्राइब कर देना अगर आगे की चैप्टर्स पढ़ने हो तो ठीक है तो थैंक यू और बाय बाय सी या हैव अ गुड डे और पढ़ते रहो मस्त अपने तरीके से